मुझे जांच ध्यान दो, तुम लिख बाद में सकते हो लेकिन ये निर्णय कर सीखो आज। अरिहंत ने प्रश्न किया है और ये सारा जो प्रश्न है दूसरे पक्ष की ओर चला जाता है, जबकि प्रश्न सत्य है उत्तर भी सत्य है, सोच सच सही होना चाहिए। अरिहंत प्रश्न ये है, निर्विकल्प सागर जी देख भाई सुन ले, सतीश भाई आपको गहरे में सुनना है क्योंकि आपके मस्तिष्क में यही भर के रखा गया है। दो पक्ष यहां सामने रखे गए हैं, पहले काम एक कच्चा आम लेके आओ सामने, कोई दूसरा विषय मत छेड़ना भाई, एक को पूरा होने देना, एक कच्चा आम सामने लेके आओ। भैया महेंद्र भाई दिल्ली, आजत भैया इंदौर, एक कच्चा आम लेके आइए। आ गया सामने कच्चा आम, पूर्ण रूप आ गया, उसका वर्ण देखिए ठीक, रस देखिए बहुत बढ़िया, क्या गजब। ये जो रंग बदलेगा हरा, एक साथ नहीं बदलता, कभी चट्टे पट्टे रहते बीच बीच में, अरिहंत आपने अच्छे से देखा है, खट मिठा भी रहता है। ये अनिल कर्नाडा ये क्या चल रहा है, मति श्रुत ज्ञान और मनाप्रिय अवधि ज्ञान की धाराएं पीयू से। अरिहंत दृष्टांत को दृष्टांत में रखना, वो जो अंदर हल्का खट्टा हल्का मीठा ये चल रहा है, ये सब रसास्वाद चल रहा है। वही आम जो पूर्ण पक जाता है तो मेरी आंखों के सामने दिख रहा है, कलमी आम, दशहरी आम, हा पुष, लंगड़ा, बदामी, मित्र, सारे आम मेरी आंखों के सामने दिखना शुरू हो चुके हैं, और रत्नाकर ये सारे रत्नगिरी आपके बनारस के, मध्य प्रदेश के ज्ञानियों, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, अन्य देशों के सारे आम अरिहंत मेरे सामने दिख रहे हैं। और आपने भी दुर्ग में साग मंडी में ठेलों पर क्या लंबे लंबे पूरे पीले आम देखे हैं, जो पीला आम हुआ है यो हराई था। प्लीज सागर जी ये बाद में मिलते रहेंगे, पीला आम जो है ना वो हराई था। पुर्याय का पुर्णमन तुक्षा भाव भूत नहीं होता है, प्रसेंजित प्रसज्जेत, ये दो प्रकार के अभाव को आपने अष्ट सहस्र में सुना भी कुछ चंद्र दिन पहले, बराबर। तुच्छा भाव नहीं होता है, पर्याय का प्रणमन होता है, परंतु निरवय पर्याय कभी नष्ट नहीं होती है। ये आप इस समय अष्ट सहस्र सुन रहे हो, आप ती मीमांसा सुन रहे हो, प्रवचन सार 50 का श्री धवला जी सुन रहे हो, पूर्ण विनाश नहीं होता। तो जो आम पका है उसमें पीलापन किस तरफ में आया, बराबर भैया, मीठापन किस तरफ में आया, ज्ञानी बड़े गांव भैया जी, मीठापन किस रस में आया, जो खट्टा था वही बदला है, कोई अलग से नहीं आ गया। इसी प्रकार से जो आत्मा में ज्ञान दर्शन गुण है वो कर्मों से आवृत था, जैसे जैसे आवरण हटे वही ज्ञान अवस्था, ज्ञान सामान है ना, ज्ञान सामान। इसलिए आचार्य प्रवर भगवद नेमीचंद सिद्धांत देव ने जीव का जब सामान लक्षण किया, अटुदनान धनसन अटुदनान धनसन सामनम जीव लक्षणम भरियम बवहारा सो जीवो ऋषे रेदो चेदना जिस, व्यवहार में से जीव का सामान्य रूप से आठ प्रकार का ज्ञान और चार प्रकार का दर्शन, ये जीव का लक्षण है भैया।
तो जो मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान भी काम का ही है। अरे अंत मानते हो, भूल मत कर लेना कभी सुप्र में भी दोस्त जी, मिथ्या दृष्टि जीव का जो ज्ञान है वो काम का ही है। बोले मतलब गुरु जी क्या हुआ? मतलब भैया ये हुआ, मतलब ये हुआ, महावीर स्वामी का जीव शेर था, शेर देख के तुम भगा दोगे, मार दोगे मित्र ऐसा बोलोगे, वही जीव बदला है कि जीव नहीं बदला? वही जीव की पर्याय बदली है, और पर्याय बदलते बदलते जब आपने पर्याय में जीव का उपचार कर देते हो तो ऐसा कहते हो जीव बदला। आप टेंशन मत लो मित्र, मैं भूलता नहीं हूं, विश्वास रखिए। अभी तो बहुत गुरु जी का आशीर्वाद है, विश्वास रखो जीव बदला है, ऐसा ही बोलने में कोई पाप नहीं पड़ेगा आपको। जीव नहीं बदला ये बोलने में पाप नहीं पड़ेगा। तो जो भगवान महावीर स्वामी का जीव सिंह था, इसे तो सारे जैनी मानते कि नहीं मानते? शेर था ना, जो शेर था वह शेर पर्याय से ही मात्र नहीं बदला, शेर परिणामों से भी बदला है, शेर पर्याय से ही बदला है, और शेर के गुणों से भी बदला है। तब मेरे मित्र सिंह चिन्ह वाला महावीर भगवान बना है। बराबर भैया विराजो। अभी हम विषय पकड़ना रियन, तो इसलिए जो 60 वर्ष आपने शब्द का प्रयोग किया है वो वास्तव में 60 वर्ष पुराना शब्द नहीं है। जब से धवला जी लिखी गई है टीका वो तब से है। और मैं आपको बताऊं, मैं कितने विद्वानों से कह चुका हूं, कोई पर पंत वाला तुम्हें विपरीत दिखता हो, उसकी विपरीतता को समझाने के पीछे अपनी समीची चिंता मत खो बैठना। इस विद्या को सीखना हो तो मैं एक ग्रंथ का आपको नाम बता रहा हूं, सत्य साहसन परीक्षा। नाम सुना ना, पढ़ा है नहीं पढ़ा ना? आहार्यंत मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं, यदि आपको षटखंडागम ग्रंथ की गहराई समझना हो तो फिर आपको प्रवचन सार का स्वाध्याय करना चाहिए अत्यंत गहरे से, क्योंकि आपको विषय विश्वास मानिए, भले मेरी रुचि अध्यात्म है, मैं करुणानी को दूर नहीं रखता हूं। आज भी मैं कसाय फाड़ू का स्वाध्याय कर रहा हूं, चारों अनुयोग पढ़ता हूं। हाँ कोई तुम समझना चाहो मैं चारों अनुयोग समझा दूंगा। अब विषय पकड़ना, महात्मा पुरुष सागर जी, बालक कम से कम समझाने वाले की ताकत को तो देखो। तुम्हें यहां दिख रहे यहां बैठे विशुद्ध सागर, मैं अभी मालूम कहीं कसाय पहाड़ में हूं, कहीं श्री धवला जी में हूं, विश्वास मान, तू तो पंडित जी हो ना, ऐसे दिमाग दौड़ता ना, अष्ट सहस्त्री में हूं, फिर मैं एक मारदंड में हूं तो न्याय दीप का मैं भी हूं। भैया सुना, भूल कहां हो रही है? दूसरे के मुख से निकला अर्यंत, मैंने कई बार भेदन किया, जो मैं बोलता हूं ना वो सबको मान्य है, फिर भी व्यक्ति मुख से नहीं कहता। बोले क्यों? इस बात को विशुद्ध सागर पहले बोल गए ना, ये दिक्कत हो गई। विश्वास मान, कैसे? जैसे कि भारत में पार्टियां चलती हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आदि। अब किसी कांग्रेस के नेता ने अच्छा भी काम किया है तब भी जनता पार्टी उसको खराब बोलेगी, कहीं जनता पार्टी ने अच्छा भी काम किया है तब भी कांग्रेस वाले गलत बोलेंगे, जबकि उनके मन में श्रद्धा है काम सही है, और कुछ दिन बाद उसे वैसे ही करेंगे। परंतु बात ऐसी है, दूसरी पार्टी ने बोला ना ऐसी, मैंने कहा महात्मा अखिलेश जैसा वस्तु स्वभाव जो है सो है। अब कभी कभी ये रंत के मुख में जीप पे तो आ जाता लेकिन मुख से बोल नहीं पाता। बोले क्यों? अब जो है सो है मैंने बोल दिया ना, विशुद्ध सागर इतना प्रचार कर चुके हैं, अब हर मन भी करता है लेकिन बोल नहीं पाते, जो है सो है। रंत ऐसा ही है, कितने लोग अब समय सार की व्याख्या करना चाह रहे हैं, बोले करना चाहिए था, अब हर जगह विशुद्ध सागर दिखाई देंगे, तो करने का प्रयास भी किया पर क्या करूं, जो है सो है, वो नहीं कह पाए उसके अंदर। ये रहस्य है, इसलिए मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं
यदि आपको तत्व निर्णय करना है तो फिर सर्वा सिद्धि जैसे महान ग्रंथों को, श्री धवला जैसे ग्रंथों का निर्णय करना, यथार्थ में निर्णय करना है तो प्रवचन सार जैसे ग्रंथ को भी समझना पड़ेगा, जिस ग्रंथ में जो विद्या है उस दृष्टि से लगाना पड़ेगा। बराबर। अब आप जो है ना लोहार के घर जाकर के कह रहे हैं बड़ा घन से पीटो कि छोटे घन से पीटो, बोले छोटी छेनी लेके आओ, छोटी हथौड़ी लेके आओ। अरे भाई ये सुनार की दुकान है, लोहार से घनी पड़ेगा, उस सुनार की दुकान पर जाओगे वहाँ हथौड़ा लेके मत पहुँच जाना, सब मिट जाएगा, वहाँ छोटी सी हथौड़ियाँ चाहिए। इसी प्रकार से द्रव्या नियोग की अपनी दृष्टि है और करुणा नियोग की अपनी दृष्टि है, और दोनों नियोग वस्तु स्वभाव की बात कर रहे हैं, अवस्तु में तो कोई अनियोग लगता ही नहीं है। बराबर। आगे आइए। इसलिए अब मालूम ये हमारा ज्ञानी खेकड़ा क्या सुन रहा है, बड़नगर ये मुमुक्षु सोच रहा है ये प्रवचन चल रहा है क्या भाई? बराबर सोच रहे ना, बोले प्रवचन चल रहा है क्या? भैया जी विश्वास मानिए यही प्रवचन है, जिसमें पर वचन नहीं मात्र जिनदेव के वचन है वही प्रवचन है। सन्नाटा है ना सभा में, सन्नाटा है ना सभा में, क्यों? भले इनको इतना गहरा समझ में नहीं आ रहा हो पर इन सबको सुनने में आनंद आ रहा कि महावीर की वाणी चल रही है। आगे चलूं तो जो निर्गन सागर जी कहां से शुरू किया था, आपकी बदाम की परीक्षा है। निसंग सागर जी कहां से प्रारंभ हुआ था, आपकी दूध की परीक्षा है। अरिंद भैया कहां से शुरू किया था, आपके चावल की परीक्षा है। तो जो गुड़ प्रिया है वो विनष्ट तो होगी, एक द्रव में एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं होती। अजित ज्ञानी एक द्रव में दूसरी द्रव, एक द्रव में दो पर्याय एक साथ नहीं होती, लेकिन एक द्रव्य में अनंत पर्यायों का प्रमन होता है। एक द्रव्य में अनंत पर्यायों का प्रमन नहीं स्वीकार करोगे तो द्रव्य की अनंतता का अभाव हो जाएगा। एक द्रव में अनंत पर्याय स्वीकार नहीं करोगे तो द्रव्य की अनादिता का अभाव हो जाएगा, अनंतता का अभाव हो जाएगा। द्रव्य कभी भी पर्याय से शून्य होता ही नहीं है। इसलिए जो जीव जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी छह द्रव्यों में कोई एक द्रव्य के प्रति ऐसा प्रश्न खड़ा करे कि द्रव्य नहीं है पर्याय है, द्रव नहीं है पर्याय है, वो कालस सूत्र का लोप करने की चेष्टा करें तो मेरे मित्र ये मिथ्या सोच है। पहुंच गए मैं कहां बोल रहा हूं, मिथ्या सोच है। वैशाली में भगवान महावीर वासुकुंड, वहां पर मालूम कनाडा अखिलेश भैया हम लोगों को बहुत लाभ हुआ है इस सत्यार्थ बोध जो सबके हाथों में दिख रहा है, ये वही चंडी और वैशाली की देन है। बराबर। ये तो आपने ग्रंथ के रूप में देख लिया, इतने ग्रंथों का अभ्यास किया हम लोगों ने वहां पर, बड़े बड़े दिगंबर श्वेतांबर स्थानक सारे ग्रंथों का अध्ययन किया हमने वहां पर। क्यों? समय था अपने पास। अब देखिए स्थानांग सूत्र, तुलसी जी एक से तंबर ग्रंथ है, स्थानांग सूत्र का नाम तो सुना है ना, तो स्थानांग जो थानांग सूत्र है ये बहुत ही तत्व के प्रमाण करने का ग्रंथ है।
जहां पर श्वेतांबर परंपरा में एक ऐसा पक्ष है जो तत्वा सूत्र कालस्य सूत्र को नहीं मानता, तो स्थानांग सूत्र में, स्थानांग में मालूम क्या किया है, उन्होंने ग्रंथकर्ता ने छह द्रव्यों को स्वीकार किया। और जब स्थानांग में छह द्रव्य को स्वीकार किया है तो तत्वा सूत्र जो कालस्य सूत्र हटा दिया गया ना, उसको जोड़ना पड़ जाएगा। कभी भी कोई व्यक्ति आपसे प्रश्न करे द्रव्य कितने हैं, तो आप छह ही बोलना, और कहें कि नहीं काल द्रव्य तो पर्याय है, द्रव्य नहीं है, तो कहना भैया हमने महाराज जी सुना है स्थानांग सूत्र में ये स्पष्ट लिखा है छह द्रव्य हैं, और छह द्रव्य नहीं मानोगे ना तो एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा, पज्य उद्यम दब्बम दब्ज्या पज्या नत्थी दोनों अनन्य भूदा भावा समना प्रोविंती। यशोदय सागर जी मित्र एकांत बैठ कर ग्रंथों में से रटना पड़ेगा। आपसे प्रश्न है दोषी जी, इन लोगों ने मेरे से प्रश्न किया भी है कुछ दिन पहले, बोले गुरु जी सब हिंदी में ग्रंथ है ना, इन्हीं को पढ़ लेंगे, आप प्रतिदिन क्यों बोलते हो गाथा याद करो, सूत्र याद करो, श्लोक याद करो। मित्र जब ऐसे विद्वानों को तुम उत्तर देने बैठोगे ना तो हिंदी प्रमाण नहीं मानी जाएगी, आपको मूल ग्रंथ की गाथा बोलना ही पड़ेगी, तब आपको प्रमाणित तुम्हारा उपदेश कहलाएगा, इसलिए आपको रटना पड़ेगा। बिराजो भैया हैं, आपको खड़ा कर दिया, क्षमा करना, तो मतलब रटना ही पड़ेगा। कितने आप थ्योरी करना जानते हो, प्रैक्टिकल करना जानते हो, लेकिन जब तक पानी का सूत्र नहीं सुनाओगे ना, अखिलेश भैया सुनील भाई पानी का सूत्र, ओह ये तो सबको याद है, फटकरी का, ओह भाई टीचर फिकटी का सूत्र, फिकटी फिटकरी का, अच्छा मित्र, और ऑक्सीजन का, O2, और जब पानी मिलता तो कितने सूत्र लग जाते हैं, वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम, तुम्हारे जो गुरु भाई बैठे ना ये मेरा चेहरा देख रहे हैं, वो इसलिए देख रहे हैं, बोले ये बातें भी जानते हैं क्या। मित्र ऐसे पढ़ाई नहीं करी, ईमानदारी से पढ़ा, विश्वास मानो, छठवीं क्लास से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान सब प्रारंभ हो जाते थे, कब से, छठवीं क्लास से। और अपन यशोधर सागरी बस्ता लेके भागने वाले छात्रों में से नहीं थे आप, विश्वास मानो। अब ये ठीक है पढ़ना नहीं जानता वो भी सत्य है,